नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दर्शकों, आज बात करेंगे कि राशि अनुसार किस पेन का आप यूज करें, किस रंग के पेन का आपको यूज करना है। साथ ही साथ आपको पावर मंत्र भी देंगे और आज का शुभ संयोग भी बताएंगे। और ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले शुभ संयोग आज का जान लेते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कि कैसे लिखने पढ़ने में काम में आने वाली आपकी कलम अर्थात पेन, उसका रंग आपके बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकता है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा कि आपको किस रंग का पेन काम में लेना है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 16 जून 2020, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज दसवीं तिथि है। आज दसवीं तिथि वृद्धि तिथि है, ध्यान रखिएगा। एकादशी का व्रत कल बुधवार को किया जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आज सूर्योदय से संपूर्ण दिन रात्रि सर्वार सिद्धि एवं अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। अतः ऐसे शुभ योग में किए गए कार्यों में 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का वार है तो हनुमान जी की पूजा से होगा कई समस्याओं का समाधान। आपके दुखों को हरेंगे बाल हनुमान, मिलेगी लंबी आयु का वरदान, करेंगे जीवन से अमंगल को दूर। तो आज बाल हनुमान रूप की पूजा अवश्य कीजिएगा। तो आज का जो शुभ संयोग है वो पंडित जी ने हमें बताया और अब आगे बढ़ते हैं, राशि अनुसार जान लेते हैं कि कौन सा पेन रखना आपको सफलता दिलाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, कुछ लोग कामयाबी पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं। जैसे कोई अपने राशि के अनुसार शुभ रंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर कोई शुभ आप कीजिए कि कोई भी उस चीज़ को घड़ी पहनना हो गया, रुमाल रखना हो गया, रत्न पहनना हो गया, आदि आदि आदि। तो इस तरह के कई छोटे तरीकों को, छोटे बड़े तरीकों को अपनाकर हम अपना लक फैक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा लिखने पढ़ने में, हमारे बच्चों के द्वारा एग्जाम में पढ़ने लिखने में काम आने वाली कलम पेन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है, सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जी हां दोस्तों, आपके कलम का रंग, आपके पेन का कलर आपका भाग्य बदल सकता है। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम आपको बताएंगे किस तरह का कलम पेन आपको नाम, शौहरत और तरक्की दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार का पेन आपका भाग्योदय करेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए लाल रंग की कलम या पेन कहें हम, बेहद शुभदायक रहेगी। यदि आप किसी भी शुभ काम पर निकलते समय लाल रंग की पेन को, कलम को अपनी पॉकेट में साथ रखकर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके नौकरी, व्यवसाय, एग्जाम्स में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। ये लाल रंग का पेन बेहद लकी और भाग्यशाली आपके लिए साबित हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए सफेद रंग या यूं कहूं सिल्वर कलर, इसका पेन या कलम का इस्तेमाल आपके लिए अति शुभ रहेगा। इससे क्या होगा, आपका लक फैक्टर मजबूत होगा। नौकरी, व्यवसाय, एग्जाम्स में मन चाही सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सिल्वर कलर का जो पेन है वो आपको अपने साथ रखना चाहिए, अपने पॉकेट में रखना चाहिए। इट विल बी बेटर लकी फॉर यू और आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए हरे रंग का पेन, ग्रीन कलर का पेन या कलम उपयोग करना बेहद शुभ रहेगा। इससे आपका जो कैरियर है वो चमक उठेगा, ब्राइट कैरियर। आपको नौकरी, व्यवसाय, एग्जाम्स में मन इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए हरे रंग का पेन आपके लिए बेहद लकी रहेगा, भाग्यशाली साबित होगा।
चलिए तो तीन राशियों की बात हो गई और इन्हें बता दिया कि कौन कौन से रंग का आपको पैन रखना है। आगे की बात करते हैं कर्क सिंह कन्या, आपको कौन से पैन रखना आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए ब्राउनिश कलर का पेन, भूरे रंग का अगर हम पेन कहें, कंप्लीट भूरा हो या मिक्सिंग में भूरा हो, ब्राउन हो, ऐसा कलम लिखने वाला पेन यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, अति शुभ रहेगा। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके एग्जाम्स में आने वाली हर बाधाएं, हर हर्डल स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और यही नहीं, अगर आप ब्राउनिश कलर का पेन अपने पास में रखते हैं तो आपके आसपास जितने भी नेगेटिव एनर्जी है उस नेगेटिव एनर्जी से भी आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे, दूर रहेंगे। तो आपके लिए ब्राउनिश पेन जो है वो बड़ा शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों के लिए गोल्डन कलर का पेन, सोने जैसा रंग वाला पेन या कलम इस्तेमाल करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। इससे क्या होगा, गोल्डन कलर का पेन यदि आप रखते हैं आपकी किस्मत चमक उठती है, आपको नौकरी में, व्यवसाय में, एग्जाम्स में मन चाही मन इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए गोल्डन रंग का पेन आपके लिए बेहद लकी साबित होगा, बेहद भाग्यशाली साबित होगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए पिंक कलर का, पिंकिश कलर का जो पेन है, कलम है, इसका उपयोग करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। निश्चित तौर पर मन चाहे सफलता, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे एग्जाम हो, ये पिंक कलर का पेन आपकी मदद करेगा, आपके लिए बेहद लकी होगा, भाग्यशाली साबित होगा। तो ये छह राशियों की बात हुई और इन सभी छह राशियों के लिए पंडित जी ने बताया कि किस तरह से अगर आप पिंक कलर का, लाल कलर का या हरे रंग का पेन रखते हैं तो ये आपको कैसे एग्जाम में भी सफलता देगा और साथ ही साथ लाइफ में भी आपको सफलता देगा। आगे की राशियों की बात करते हैं, तुला वृश्चिक धनु आपके लिए भी जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों के लिए हीरा जड़ा हुआ, डायमंड जड़ा हुआ या जर्किन जड़ा हुआ सिल्वर रंग का पेन कलम अति शुभ रहेगा। ऐसा पेन जो सिल्वर कलर का हो और उसके टॉप पे या तो डायमंड लगा हुआ हो या उसके ऊपर जर्किन लगा हुआ हो, ऐसे पेन को यदि आप काम में लेते हैं तो आपका भाग्य आपसे चार कदम आगे रहेगा। निश्चित तौर पर ऐसा पेन आपके भाग्य को चमका देगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और फिर ऐसा पेन पॉकेट में रख के चलते हैं तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जीवन में कभी आवश्यकता नहीं होगी। यश, मान, वैभव सब कुछ आपके कदमों में होगा। तो बात करते हैं धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों के लिए सुनहरे रंग का, हल्का सा येलोइश अगर हम कहें, पीले रंग का या सुनहरे रंग का कलम या पेन आपके लिए लकी साबित हो सकता है, भाग्यशाली साबित हो सकता है। और ध्यान रखिए, अपने ऊपर की पॉकेट में सुनहरी कलम को रखिए, क्योंकि जिस तरीके से वो जो सुनहरी कलर का जो पेन है वो आपके पॉकेट में चमकेगा, ठीक उसी तरीके से आपका लक भी चमकने लग जाएगा। तो सुनहरी रंग का पेन कलम आपको हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, चाहे लिखने का काम हो चाहे नहीं हो, अपने पॉकेट में लगा के रखिए, आपका भाग्य आपसे ज्यादा दौड़ने लगेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको ग्रे कलर का पेन या कलम उपयोग करना शुभ परिणाम देगा। ग्रे रंग का पेन पॉकेट में रखने से आपको अपने न केवल एग्रेसिवनेस पे, क्रोध पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी, साथ ही ये ग्रे कलर का जो पेन है आपके जीवन में मेंटल पीस भी लेके आएगा, शांति लेकर भी आएगा। और साथ साथ में अगर आपके कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों तो वो ग्रे कलर का पेन अगर आप पॉकेट में रखते हैं तो आपके बिगड़ते हुए काम भी स्वतः ही बनने लग जाएंगे। जी तो अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी तीन राशि मकर, कुंभ, मीन आपके लिए भी जान लेते हैं, आपको किस रंग का पेन रखना है। चलिए बात करते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको गहरे रंग के, जो डार्क शेड के जो कलर्स हों
उनका पेन या कलम का इस्तेमाल करना आपके लिए फ्यूचर में मच बेटर साबित हो सकता है, भाग्यशाली साबित हो सकता है। जैसे जिस कलम पर काला या फिर गाढ़े नीले रंग की परत हो, ब्लैकिश शेड में हो या ब्लूइश शेड में हो, इस तरह का पेन आपके लिए शुभ रहेगा। इससे आपकी लाइफ में आने वाली जितनी भी हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगी और आपका कैरियर, आपकी लाइफ सुखमय बनी रहेगी। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए काले रंग का पेन या कलम इस्तेमाल करना शुभ रहेगा। काले रंग के कलम के इस्तेमाल से, उपयोग से आपके सभी दुख दूर होंगे, आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा धीरे धीरे आपके सभी रुके हुए कार्य भी स्वतः ही बनने लग जाएंगे। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए सुनहरे रंग की कलम, येलो शेड में या पेन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। उससे आपकी किस्मत चमकेगी, आपको नौकरी, व्यवसाय, एग्जाम्स में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए सुनहरे रंग की या गोल्डन रंग का पेन आपके लिए बेहद लकी या भाग्यशाली साबित हो सकता है। तो ये तो राशियों की बात हो गई और 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने बताया कि कैसे आप किस रंग का अगर पेन रखते हैं तो आपको ये लकी साबित होगा, सफलता भी दिलाएगा। और आज जैसे कि पंडित जी, मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन कौन सी चीजों की हमें सावधानी रखनी है, ये भी जल्दी से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मंगलवार के दिन क्या काम नहीं करने चाहिए आप बहुत जानते हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मंगलवार को मांस मदिरा के सेवन से पैसा पानी की तरह बहकर खत्म हो जाता है, तो आज मंगलवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन काले रंग के वस्त्र न तो धारण करें न ही खरीदें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने से मंगल के दोष का प्रभाव कम होता है। मंगलवार के दिन बाल कटवाना, नाखून कटवाना, दाढ़ी बनवाना जैसे कर्म भी दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। मंगलवार के दिन पैसे का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन पैसों का लेन देन करते हैं तो धन की हानि होती है। तो मंगलवार को इस तरह के छोटे छोटे काम हैं दैनिक जीवन क्रिया से जुड़े हुए, जिनसे आपको बचना चाहिए। जी, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है मंगलवार के दिन, यानी आज के दिन आपको नहीं करना है। और अब आगे बढ़ते हैं और आज का पावर मंत्र पंडित जी से जान लेते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आज का दिव्य मंत्र, पावर मंत्र। ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः, ओम प्रवीणाय नमः। आज का दिव्य मंत्र ओम प्रवीणाय नमः। लाभ क्या है? क्या आप अपने हर काम में नंबर वन आने की चाह रखते हैं, कामना रखते हैं? क्या आप अपने हर काम में परफेक्शन चाहते हैं? क्या आप अपनी कार्य कुशलता, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, ऑफिस में नेम फेम बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। निश्चित तौर पे इस मंत्र का जाप आपको बना सकता है ऑलराउंडर, मिल सकती है आपको अपार सफलता। ओम प्रवीणाय नमः, हर काम में प्रवीण बनाने वाला ये सरल मंत्र निश्चित तौर पे नेम फेम और आपको ऑलराउंडर बनाने में आपकी मदद करेगा। जी, तो ये तो आज के दिव्य मंत्र की यानी पावर मंत्र की बात हुई और साथ ही साथ आपको आज राशिफल भी बताया कि कौन सा पेन आप किस रंग का पेन, चाहे वो आपकी राशि के अनुसार गुलाबी हो, हरा हो, पिंक हो और नारंगी हो, अलग अलग रंग के जो पेन हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार रख सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद टैरो कार्ड रीडर संचिता जी हमारे साथ जुड़ेंगी जो आपको आपका भविष्य फल बताएंगी। जल्द लौटते हैं।